okay, class 10. Now we are going to start trigonometric ratios. So what are the trigonometric ratios? We had studied in the class 9th about the trigonometric ratios. Trigonometric ratios के बारे में हमने 9th class में study किया था. अब उसी को repeat करते हैं. देखो एक right angle triangle होता है. जब आप किसी भी triangle के एंगल्स को ठीक है उनके साइड के रेशियो में क्या करें रिप्रेजेंट करें तो वही क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. मतलब एंगल को रिप्रेजेंट किया जाए इन द फॉर्म ऑफ साइड्स, साइड्स के रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ठीक है तो हमने थ्री एंगल्स के टर्म में रिप्रेजेंट किया, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा और एक रिप्रेजेंट किया हमने टैन थीटा. ये क्या होता है देखो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि अगर ये थीटा है ठीक है तो ये बेस होगा क्योंकि 90 और थीटा दोनों जिस पर हैं उसे हम बेस मान लिया ठीक है. और ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर इसके 90 डिग्री बना रहा है तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर. और ये क्या है यहाँ पर हाइपोटेनस. हाइपोटेनस क्या होता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है. ठीक है अब बेस किसे अज्यूम करना है कंडीशन ये तो बेस हम किसे अज्यूम करते हैं जो थीटा और 90 वाली साइड होती है मींस जिस साइड पर थीटा और 90 डिग्री है जिस थीटा के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं वो ऑलवेज क्या रहेगा बेस. ठीक है और जो अदर साइड रह जाएगी वो क्या रहेगी हाइपोटेनस तो सॉरी परपेंडिकुलर. तो हाइपोटेनस क्या है अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री. 90 डिग्री की अपोजिट साइड है और परपेंडिकुलर क्या है बेस की बात होती है. बेस क्या है ये वो साइड होती है जिस पर थीटा और 90 डिग्री होते हैं 90 डिग्री एंड थीटा बिच थीटा कौन सा बिच इज यूज टू स्टडी जिसे हम स्टडी के अलावा यूज ले रहे हैं मतलब उसके रिस्पेक्ट में हम एंगल फाइंड करना चाहते हैं रेशियो फाइंड करना चाहते हैं तो उस थीटा की बात करें. ठीक है तो ये हाइपोटेनस ये बेस. अब परपेंडिकुलर क्या रहेगा रिमेनिंग साइड. ठीक है तो परपेंडिकुलर ऑन बेस. तो बेस पर जो परपेंडिकुलर होगा वही उसका पी होगा. अब देखो यहां से साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है और टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इसी को हम क्या कहते हैं देखो यहां पर अगर न्यूमरेटर्स की बात करें तो पी बी और पी परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया एच एच बी. ठीक है तो ये याद रखो ये इनका रिप्रेजेंटेशन है कि इन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इनके कुछ और भी एंगल होते हैं. ठीक है कौन से वाले होते हैं साइन का रेसिप्रोकल होता है क्या होता है कोसेक थीटा. कोसेक थीटा ये क्या है रेसिप्रोकल ऑफ दिस इसका उल्टा. ये भी तो माइंड में आता है सर अगर इसका उल्टा हो गया तो फिर उसे हम क्या कहेंगे कोसेक थीटा कहेंगे. तो ये क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है. ओके उसके बाद क्या आता है सेक थीटा. सेक थीटा क्या होता है दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा हाइपोटेनस ऑफ बेस. हाइपोटेनस अपॉन में बेस. उसके बाद क्या आता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा एंड दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ओके सो दीज आर नॉट साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट. तो ये क्या है रेसिप्रोकल ऑफ साइन मीन्स वन अपॉन साइन थीटा.
ये क्या है, वन अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या है यहां पर वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है। इसी तरह ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरह ये क्या है, वन अपॉन साइन थीटा, तो इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ठीक है, और वन अपॉन कॉस, तो ये इनके क्या है, रेसिप्रोकल्स। ओके, अब हम इनके वैल्यूज की बात करते हैं, ये तो एंगल्स थे, अब इनकी वैल्यूज की बात। साइन थीटा कॉस टेन कोसेक सेक थीटा और कॉट थीटा, यही होते हैं, ठीक है। देखो जीरो डिग्री थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, थीटा इक्वल टू थर्टी डिग्री, थीटा इक्वल टू सिक्सटी डिग्री, थीटा इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री और थीटा इक्वल टू नाइन्टी डिग्री। अब इसे लर्न करना है, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं वो भी बताएंगे, लेकिन पहले इसे लर्न करना है, ठीक है। अब वो देखो साइन थीटा, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, क्यों होती है वो भी बता देंगे, ठीक है। साइन थर्टी, साइन थर्टी की वैल्यू होती है वन पॉइंट टू, क्या होती है वन पॉइंट टू। साइन सिक्सटी और साइन पहले फोर्टी फाइव आएगा ना, फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या होती है वन पॉइंट रूट टू, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी अंडर रूट थ्री अपॉन रूट टू, और 90 पर होती है वन। अब कॉस थीटा क्या होता है कि यहां पर जो वैल्यूज है वो रिवर्स हो जाती है, मीन्स जो 90 की वैल्यू है वो जीरो की हो जाएगी, 60 की वो 30 की, 45 सेम रहेगा और ये रेसिप्रोकल अल्टर हो जाती है, कि ये 90 का वैल्यू वन है तो यहां पर वन आएगा। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी वन, 30 की वैल्यू क्या होगी रूट थ्री अपॉन टू, कॉस 30 क्या हो गया रूट थ्री अपॉन टू, और 45 क्या हो जाएगा सेम रहेगा, ठीक है, रिवर्स हो रहा है ये सभी। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा वन अपॉन टू, सिक्सटी की वैल्यू क्या होगी वन अपॉन टू और 90 की वैल्यू क्या होगी जीरो। ये वैल्यूज है, आंसर है, ऐसा क्यों होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। टेन थीटा, अब टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को कहते हैं टेन थीटा, इसे कहते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा कहते हैं। तो अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड कर दू, जीरो को वन से डिवाइड कर दू, तो आंसर क्या आएगा जीरो। इसको इससे डिवाइड करोगे तो टू से टू कट जाएगा, वन अपॉन टू थ्री आएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे तो वन, इसे इससे डिवाइड करोगे तो टू से टू कट जाएगा, रूट थ्री आएगा, और यहां पर जीरो से अगर इसे डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा होता है, क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या हो गया इन्फिनिटी हो गया, पता है ना आपको जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा इन्फिनिटी, वन अपॉन जीरो आ जाएगा। उसके बाद में टू कोसेक थर्टी, वन अपॉन टू का रेसिप्रोकल, ओके, वन अपॉन रूट टू, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया रूट टू, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री, और इसका रेसिप्रोकल तो वन। नेक्स्ट देखो सेक थीटा, सेक थीटा में वन का रेसिप्रोकल तो वन रहेगा, इसका क्या हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री, क्या हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा रूट टू, और इसका रेसिप्रोकल टू, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अब टेन थीटा में देखो, टेन थीटा जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है,
टेन थीटा में देखो, टेन थीटा का रेसिप्रोकल तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या हो गया, टेन जीरो का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा रूट थ्री, और इसका रेसिप्रोकल वन, इसका वन अपॉन रूट थ्री, और इसका रेसिप्रोकल हो गया जीरो। सो दीज वैल्यूज यू आर टू रिमाइंड, आपको रिमाइंड करना है, ठीक है। अब आते कैसे हैं, कैसे इन्हें एक्सप्लेन करते हैं, अब इनका प्रूफ देखो एक एक करके, ओके लेट्स सी। पर ये रिमाइंड हो जाना चाहिए कैसे, साइन जीरो जीरो, साइन थर्टी वन अपॉन टू, साइन फोर्टी फाइव वन अपॉन रूट टू, साइन सिक्सटी रूट थ्री अपॉन टू, साइन नाइनटी वन, कॉस जीरो वन, कॉस थर्टी रूट थ्री अपॉन टू, कॉस फोर्टी फाइव वन अपॉन रूट टू, कॉस सिक्सटी वन अपॉन टू, कॉस जीरो सॉरी नाइनटी जीरो। ये ऑलवेज किस तरह से वैरी करते हैं, ये जीरो साइन जीरो से जब आप नाइनटी की तरफ जाते हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, जबकि कॉस डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो कॉस डिक्रीज होता जाएगा, साइन इंक्रीज होता जाएगा, और टेन जो होता है वो जीरो से इंफिनिटी जाने पर, मतलब सॉरी जीरो से नाइनटी जाने पर इंफिनिटी हो जाता है, मतलब मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है, और ये सब इनके रेसिप्रोकल है, तो ये इनके रिलेशन। तो ये आपको क्या करना है पूरा रिवाइज। अब मैं इनकी प्रूफ बता रहा हूं क्या होता है, देखो पहले मैं बताता हूं फोर थीटा इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है। तो साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस थीटा को जीरो बना दूं, थीटा को जीरो बना दूं, तो यहां से परपेंडिकुलर यहां नीचे स्ट्रगल कर जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होगा क्या यहां पर, नहीं होगा ना। अगर थीटा इक्वल टू जीरो है तो ये परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर की कोई वैल्यू नहीं जाएगी यहां पर। लेकिन हाइपोटेनस तो बचेगा ना, हाइपोटेनस की कुछ वैल्यू तो होगी ना, मीन्स यहां पर थीटा अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो यहां पर ये तो जीरो हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस तो आंसर क्या आएगा, जीरो, क्या आएगा, जीरो, ठीक है। अगर मैंने थीटा इक्वल टू जीरो पुट किया, ये समझ में आया आपको। अब देखो मैं इस थीटा को जीरो लिख देता हूं, अब कॉस जीरो, देखो कॉस जीरो का मीन्स क्या है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब यहां से थीटा इक्वल टू जीरो है, थीटा इक्वल टू जीरो तो परपेंडिकुलर जीरो होगा, लेकिन बेस और हाइपोटेनस तो रहेंगे ना, तो बेस वही होगा जो हाइपोटेनस होगा, क्योंकि ये बेस वाली लाइन और हाइपोटेनस वाली लाइन एक दूसरे पर लाई कर जाएंगे, अगर ये लाई कर जाएंगे तो ये एक दूसरे के इक्वल में लाई कर रहे, तो यहां से ये दोनों क्या हो जाएंगे, वन और वन, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, वन। ये समझ में आया, मीन्स ये वाली चीज यहां से एंड हो जाएगी और ये लाइन रह जाएगी बस, ये तो यहां पर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। अब मैं टेन थीटा की बात करता हूं, टेन जीरो, अब एक बात बताओ टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां परपेंडिकुलर क्या हो गया, जीरो हो गया ना, परपेंडिकुलर क्या हो गया, जीरो हो गया, तो जीरो अपॉन में बेस, अब ये तो वैल्यू क्या होनी है, जीरो होनी है, ठीक है। उसके बाद साइन कॉस सेक, सेक जीरो, सेक जीरो क्या होगा, देखो सेक क्या होता है, सॉरी कोसेक आता है ना पहले, कोसेक जीरो, कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट, हाइपोटेनस अपॉन में पी। अब परपेंडिकुलर तो जीरो हो गया था, हाइपोटेनस एज इट इज, तो किसी भी वैल्यू को अगर जीरो से डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी, क्या आएगा, इन्फिनिटी। उसके बाद देखो सेक थीटा, तो सेक जीरो क्या हो जाएगा, यहां से जो कोसेक की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल एच ऑन बी, तो हाइपोटेनस का एज इट इज जो भी है
बेस भी वही, तो आंसर क्या आएगा? बनी आएगा। ये कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा इसे। अब कॉट जीरो, ये क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस तो बेस है लेकिन परपेंडिकुलर जीरो है, तो यहां पर ये क्या बन गया? तो देखो यही टेबल के फर्स्ट एंगल थे, साइन जीरो मैंने आपको जीरो बताया था, कॉस जीरो वन, टेन जीरो जीरो, कॉसेक जीरो इन्फिनिटी, सेक जीरो वन और कॉट जीरो इन्फिनिटी। तो ये हमें अब लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब इसका देखो नेक्स्ट, अगर थीटा इक्वल टू मैं क्या पुट कर दू 30 डिग्री, क्या पुट कर दू 30 डिग्री, कैसे करेंगे ये थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री के लिए कैसे फाइंड करें? तो मैं इसे क्या करता हूं, यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है, ज्यादा इजी जाता है समझने में। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये 2a, और आपको पता है कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और यहां से ये वैल्यू भी 2a है, लेकिन ये इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है, पता है ना, ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली इक्वल है, और ये कॉमन है, तो SSS रूल लगा देंगे यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल, तो ये वाला पार्ट इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा ए, ठीक है। मान लो ये ए बी सी है और यहाँ पर डी, तो यहां से देखो मुझे हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं पता। तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर इसका? अगर मुझे ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ बेस का स्क्वायर मीन ए का स्क्वायर, और हाइपोटेनस मीन 2a का स्क्वायर, तो ये हो गया 4a स्क्वायर a स्क्वायर, और ये हो गया b स्क्वायर। तो यहां से परपेंडिकुलर फाइंड कर ले, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो गया 3a स्क्वायर, और ये हो गई p स्क्वायर, तो p की वैल्यू क्या हो गई यहां से रूट ऑफ 3a स्क्वायर, तो ये रूट 3a, रूट 3a हो गई। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर 2a, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर a स्क्वायर, और ये p स्क्वायर, p स्क्वायर की p की वैल्यू फाइंड कर ली रूट 3, तो ये क्या हो गया रूट 3a। आप देखो यहां से, अब मैं इस वाले ट्राइंगल में किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है, ये वाला ले लो या ये वाला, दोनों के लिए सेम है। तुम राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 30 क्या हो जाएगा, अब 30 कौन सा वाला एंगल है ये भी ध्यान रखना, ये वाला, ठीक है, कहीं आप ये वाला एंगल 30 बता दो। अच्छा एक मिनट, ये 30, ठीक है, तो देखो क्या होता है, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन 30, और साइन 30 क्या होता है, तो देखो यहां से परपेंडिकुलर, अब एंगल के अपोजिट, एंगल के अपोजिट जो एंगल है ये हो गया, एंगल क्या है ये वाला, क्योंकि इस वाले को तो 30-30 में डिवाइड किया है, ये तो 60 हो जाएगा, ठीक है, तो इस 30 के अपोजिट वाली लाइन, ये वाला तो बेस हो गया इसके लिए, ये बेस है, ये ध्यान रखना ये बेस, और ये एंगल ये वाली क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है पर ए, अब बहुत ध्यान से सुनना ये 9th वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला क्या है 30, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, और जिस साइड पे ये एंगल और 90 बना हुआ है वो क्या होगा इसका बेस, ठीक है, वो बेस होगा, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो यहां से परपेंडिकुलर क्या हो गया ए, और हाइपोटेनस क्या हो गया 2a, तो यहां से वैल्यू क्या आई 1/2। अब कॉस कॉस 30, ठीक है, तो कॉस 30 के लिए क्या हो जाएगा यहां से बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है यहां पर रूट 2a, और हाइपोटेनस क्या है 2a,
अब देखो इस टू को मैं रूट टू लिख सकता हूँ क्योंकि रूट टू इंटू में रूट टू अगर आप करोगे तो क्या आएगा, टू आएगा। तो यहाँ पर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, रूट टू अपॉन ए अपॉन में रूट टू इंटू में ए। तो यहाँ से रूट टू कट हो गया और आ गया वन अपॉन रूट टू आ गया। अब यहाँ से देखो टेन थर्टी क्या आ जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या था यहाँ पर, रूट टू ए सॉरी ए, और ये क्या रूट टू ए अपॉन रूट टू ए है। तभी हम कह रहे हैं ये क्या चक्कर क्या है यहाँ पर, रूट थ्री ठीक है क्यों वही कही ये कैसे। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे कर वन अपॉन रूट थ्री। आप देखो यहां से कोसेक 30, तो कोसेक 30 के लिए ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, टू ए अपॉन ए, तो टू सेक 30 हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस टू ए और बेस क्या हो गया यहां से टू जी। और टेन कॉट हो गया कॉट 30, जो टेन है उसका रेसिप्रोकल, टेन क्या हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू क्या थी यहां से रूट थ्री ए और परपेंडिकुलर क्या था ए, तो इसकी वैल्यू हो गई रूट थ्री ठीक है। तो देखो यहां से साइन कॉस टेन फाइंड कर लो और कॉसेक सेक कॉट में इनका रेसिप्रोकल आ रहा है, ये वन अपॉन टू था तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया यहां से ये वन अपॉन टू थ्री, ये टू तो टू किसका रेसिप्रोकल इसका साइन का, ये कॉस का सेक रेसिप्रोकल और टेन कॉट ठीक है रेसिप्रोकल। तो ये समझ में आया आपको किस तरह से वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब 60 में क्या करना है, 60 में सिर्फ क्या चेंज हो जाएंगे बेस और हाइपोटेनस। तो इसके लिए देखो 60 के लिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं और यहां 60 लिख देते हैं। अब बताओ 60 कहां पर है, यहां पर है ना, तो अब बेस क्या होगा, ये मैंने क्या कहा था बेस की एंगल और जिस एंगल के रिस्पेक्ट आप स्टडी कर रहे हो वो एंगल और 90 डिग्री दोनों एक ही उस पर है लाइन का, तो वो लाइन क्या होगी बेस, ये बेस है ये परपेंडिकुलर है। अब देखो परपेंडिकुलर क्या हो गया रूट थ्री ए अपॉन में हाइपोटेनस क्या हो गया टू ए, तो इसकी वैल्यू हो गई रूट थ्री अपॉन टू। यहां पर बेस क्या हो गया, इसके लिए बेस हो गया क्या ए और हाइपोटेनस क्या हो गया टू ए, तो यहां से वैल्यू क्या है वन अपॉन टू। इसी तरह परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर क्या था यहां पर रूट थ्री ए और बेस ए, तो रूट थ्री। अब इन सब का रेसिप्रोकल करते जाओ टू ए अपॉन रूट थ्री ए, तो ये आ गया टू अपॉन रूट थ्री और इसका हो जाएगा क्या ए टू ए अपॉन ए, तो ये हो गया टू और इसका हो जाएगा क्या ए अपॉन रूट थ्री ए, तो यहां से बना अपॉन रूट थ्री ओके। सो वी हैव अंडरस्टैंड अबाउट द 0 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री, हाउ वी फाइंड दीज एंगल, ये एंगल कैसे आते हैं इस तरह से आते हैं ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी रिमेनिंग एंगल्स। थैंक यू।